तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी भाजपा और जनसेना पार्टी जेएसपी के बीच चल रही चुनाव पूर्व गठबंधन की बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जेएसपी के संस्थापक पवन कल्याण ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होगा। जेएसपी के सूत्रों के मुताबिक जनसेना राजनीतिक मामलों की समिति के अध्यक्ष नांदे दला मनोहर के साथ अभिनेता सह नेता पवन कल्याण ने बुधवार को अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने हैदराबाद पहुंचने से पहले तेलंगाना भाजपा नेतृत्व और पवन कल्याण को एक सहमति पर पहुंचने को कहा। अमित शाह शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA में आयोजित होने वाले भारतीय पुलिस सेवा IPS परिवीक्षाधीनों के 75वें नियमित भर्ती बैच की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करेंगे और उसी दिन दोपहर में एक चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। जेएसपी के सूत्रों ने कहा, कल्याण और मनोहर दोनों कल रात हैदराबाद लौट आए। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कल्याण आज जनसेना तेलंगाना नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में संवाददाताओं से कहा था कि वह हैदराबाद में कल्याण से मिल चुके और आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव पूर्ण गठबंधन की संभावना पर उन्होंने शुरुआती चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि जेएसपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA का हिस्सा है और पवन कल्याण भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा कर रहे हैं। जनसेना ने 2 अक्टूबर को कहा था कि पार्टी 30 नवंबर के चुनाव में कुल 119 में से 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पवन कल्याण ने हाल ही में पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा के साथ गठबंधन की घोषणा की थी। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।